टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू ए चैलेंज, आर यू रेडी फॉर इट? आज आपको मैं एक चुनौती देने वाला हूँ, तैयार हो ना आप लेने के लिए? पता है चुनौती क्या है? आपको का बोलना है आ के बगैर, आप कर सकते हो क्या? यू हैव टू से द वर्ड का विदाउट आ इन इट. कैन यू से? ट्राई. No, the moment you open your mouth, any sound comes, the first sound that comes out of you is ah. You cannot say, without ah, you cannot say ka. Right? Okay, ka, let's go. Ka, let us say cha. Can you say cha without ah? अच्छा चलिए, का छोड़ दो. अब चा बोल सकते हो क्या आ के बगैर? बोलने की चेष्टा करिए. कुछ गले में अटकता है, समथिंग स्टॉप्स यू इन द थ्रोट, विदाउट आ द साउंड डज नॉट कंप्लीट. राइट? द साउंड कैन नॉट कम, यू कैन नॉट प्रोनाउंस दैट साउंड. दिस ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल सडनली क्रिएट सम स्पेस इन अवर हेड. इट स्टॉप्स द थॉट प्रोसेस. जब हम कुछ असंभव को करने की चेष्टा करते हैं तो मन शांत हो जाता है, वहाँ विचार थम जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना? आप इस पर गौर करिए. आप देखिए, आप बैठे बैठे उठने की चेष्टा करो, पद्मासन में बैठे बैठे उड़ने की चेष्टा करिए. चेष्टा ही रहता है कि उस वक्त विचार थम जाता है, शरीर की पूरी ऊर्जा एकत्रित होने लगती है उस वक्त. यू नो व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग, जस्ट ट्राई टू लिफ्ट योरसेल्फ अप सिटिंग वेयर एवर यू आर. यू नो दिस वेरी प्रोसेस ऑफ ट्राइंग, व्हाट हैपेंस, ऑल अवर एनर्जी गेट्स कंसोलिडेटेड एंड मूव्स अपवर्ड. एट दिस टाइम द माइंड जस्ट become stand still, thoughts just freeze, and in between it allows you to sink deep in meditation. It's our mind which takes us for a ride all the time. Either it pulls us to the past or to the future, right? You are sitting and mind is pulling you towards the past. All those memories are coming, or planning is going on about what you should do in the future. But the moment you think about something that is impossible or try doing something very difficult, the thoughts subside, your energy gets consolidated, and then you are able to experience a dimension which was hiding behind our mind, behind all those thoughts, all those emotions, all those concepts. The meditation is that which takes that leap, takes you beyond the concepts, beyond our experiences of past or expectations of the future. So we are going to do this different type of meditation today. Those of you who are joining me for the very first time, you may find it, this is little advanced one, but nevertheless, you'll also get something, okay? For you, I would say, those of you who are doing this for the first time, I would say you do the Panchakosha meditation before. You do the other forms of meditation which I have already been conducting. Then this will make even more sense, yeah? Right now, whatever you get it, that's good enough. Just take it. So, jaise jaise hum असंभव को संभव करने की चेष्टा में लगते हैं तब मन थम जाता है, विचारें बंद हो जाती हैं, तब सिद्धांतों के परे, विचारों के परे जो शुद्ध चैतन्य तत्व हमारे भीतर है उसके साथ हमारी मुलाकात होती है, या हमें अपने आप से मुलाकात होने लगती है. हम इन सब विचारों से अलादे हैं, हम सब भावनाओं के परे हैं, हम भूत और भविष्य काल के जो भी चिंता या
हमारे अनुभव है, ये सब अनुभूति से भी हम परे हैं। हमारे भीतर ऐसी खजाना है, शुद्ध चैतन्य की खजाना, वो हमें प्राप्त होता है ध्यान से, सिर्फ ध्यान से होता है। अभ्यास करते जाइए, ध्यान के अभ्यास में पहले तो मन की शांति, शांति तो वो छोटी सी चीज़ है, फिर प्रसन्नता, वो भी मैं इतनी बड़ी बात नहीं समझता हूँ। ऐसे परत दर परत, कदम दर कदम हम चलने लगते हैं अपने ओर, हम पाते हैं जो एक महत्वपूर्ण शक्ति जिसकी तलाश है वो यहीं है, अपने पास है, अपने में है। तो जीवन में पूर्ण तृप्ति, माने पूर्ण तृप्ति का अनुभव मिलेगा और हम जो चाहते हैं सोचते हैं वो काम बहुत हद तक, ये नहीं कहूँगा सभी काम हो जाएगा, बहुत हद तक जो हम चाहते हैं सोचते हैं सब काम होने लगेगा, अनायास होने लगेगा। चलिए अभी बैठते हैं, लेट अस सिट कंफर्टेबली, इजीली आराम से बैठ जाते हैं एंड वी कीप अवर गेज फिक्स्ड एट 30 degrees। 30 degrees is in front of you, about 1 feet in front of you, about 1 foot in front of you, one and a half feet in front of you, you fix your gaze there. अब हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और अपना आंखें खुले रखते हैं, बंद नहीं करेंगे। सामने 1 फुट दूरी तक की जो जगह है वहाँ एक जगह हम अपनी दृष्टि को टिका के रखते हैं। आप स्क्रीन में मत देखिए, हमको मत देखिए, किसी और चीज़ को मत देखो, अपनी दृष्टि सामने 1 फुट दूरी पर या 1.5 फुट दूरी पर टिका के रखिए। आप शरीर को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो, हिल के या कुछ आगे पीछे करके, कंधों को हिलाना हो, पाँव को थोड़ा आगे पीछे करना हो, करके आराम से बैठ जाइए। जिस आसन से बैठने से आपको पूरा आराम मिलता है ऐसे बैठना चाहिए, पलटी मार के ही बैठना ऐसी ज़रूरी नहीं है। यू सिट कम्फर्टेबली एंड ईजिली इन विच एवर पोज यू फील कम्फर्टेबल, एडजस्ट योर बैक, योर लेग्स, एनी ट्विचर्स हियर एंड देयर, दिस इज द टाइम टू एडजस्ट देम ऑल। अब पूरा शरीर को एडजस्ट कर लीजिए, दृष्टि टिकी हुई है, सांस चल रही है लगातार, सांस पर अपना दृष्टि दे, एक लयबद्ध ढंग से सांस इस वक्त चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। दृष्टि टिकी है, हमारा ध्यान सांस पर है जो लयबद्ध ढंग से चल रहा है और शरीर स्थिर है इस वक्त। दिस मोमेंट योर गेज इज फिक्स्ड, योर बॉडी इज स्टिल, योर ब्रेथ इज मूविंग इन रिदम, ऑब्जर्व द रिदमिक ब्रेथ। Pay attention to the rhythmic breath that's happening now. आपके चारों ओर आसपास एक प्रभा मंडल बना हुआ है, उसके प्रति भी सजग हो जाएं। देर इज एन ऑरा ऑफ एनर्जी ऑल अराउंड यू, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ स्पेस ऑल अराउंड यू। यू आर एमिटिंग एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, हमारे शरीर से तरंगे चारों ओर जा रही हैं। अब आप आंखें बंद कर सकते हो,
Now you may close your eyes and now we will chant the sound Om, which means peace and love. अब हम ओंकार का ध्वनि करते हैं तीन बार. ओंकार का ध्वनि से प्रसन्नता, शांति और प्रेम के तरंग निकलते हैं चारों ओर. गहरी सांस लीजिए. ओ Take a deep breath in. Om. Feel it, bah, once again. With a big smile, take a deep breath in. Keep your eyes closed. आँखें बंद रखें. Become aware of a central axis in your body. शरीर के मध्य भाग पर अभी अपना ध्यान देंगे. शरीर के बीचों बीच एक नाड़ी है, ऐसा समझिए. शरीर के बीचों बीच अपना ध्यान टिका के रखें. कीप योर अटेंशन द सेंट्रल लाइन ऑफ योर बॉडी, द सेंट्रल नर्व फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन टू द टॉप ऑफ द हेड. अ जेंटल अटेंशन ऑन द सेंट्रल नर्व. Your body is still, your breath is feeble, and your mind is right in the center. इस वक्त शरीर स्थिर है, सांस धीमी है और लयबद्ध तरीके से चल रही है, और आपका मन बीचों बीच है. अब मन ही मन का बोलने की चेष्टा करें. आके बिगार. नाउ इन द माइंड ट्राई टू से द वर्ड का विदाउट आ. यू विल नोटिस द एनर्जी इज गेटिंग स्टक अबाउट द पैलेट समवेयर इन द हेड. Just be, let it be. कहाँ बोलने की चेष्टा करें. आंखें बिगार. आप पाओगे आपकी ऊर्जा कहीं तालों से ऊपर
कहीं कुछ अटक रहा है ऐसा लग सकता है। फिर एक बार चेष्टा करे का बोलने की आके बेकार। मन में भी आ नहीं बोलना है, आंखें भी घर का बोलना है। इवन इन द माइंड वी डोंट वॉन्ट टू से का विथ आ, वी वॉन्ट टू से का विदाउट आ। दिस वेरी एफर्ट यू मे सी देर इज समथिंग स्टॉपिंग इन द माइंड इन द ब्रेन। And notice the space that is getting created right away. Mind is becoming empty. Thoughts are fewer. Gaur kare, man thamsa ja raha hai. Vichar tham gaya hai. इस वक्त सिर्फ शरीर और कहीं कोई तनाव का अनुभव हो सकता है। उसको रहने दें। दिस मोमेंट यू मे एक्सपीरियंस सम स्टिफनेस और सम टेंशन। लेट इट बी। Embrace any stiffness or tension or pain anywhere in the body. Just give it a hug from by your mind and let it be. कहीं पर भी कोई असुखद संवेदना हो उसको स्वीकार कर लें, उसको आलिंगन कर लें, दर्द को गले लगा लें। और बने रहे। फिर एक बार का बोलने की चेष्टा करेंगे मन ही मन आ के बिगार। वंस अगेन वी मेक एन एफर्ट टू से का विदाउट आ which is impossible. Now let go of all your effort. Now let us take our attention to our pit of the stomach, near our solar plexus, deep inside, and identify a tiny point right there. अब हम अपना ध्यान को नाभि के ऊपर एक बहुत छोटी सी बिंदु नाभि के भीतर और ऊपर एक छोटी सी बिंदु पर ले जाते हैं। एक तिल के बराबर छोटी सी बिंदु पर, राई के बराबर एक छोटी सी बिंदु पर अपना ध्यान ले जाते हैं। नाभि से जरा ऊपर सूर्य ग्रंथि के पास, आपके पेट के बीचों बीच
in the center of your stomach, deep inside. Take your attention to a tiny dot. As though all your energy of your body is focused in this tiny little dot. Just be. जैसे शरीर की सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो गई हो, इस तरह से उस बिंदु को पहचाने और छोड़ दें. Then let go and relax now. Let your mind expand in all directions. मन को चारों ओर फैलने दीजिए. फिर मन को चारों ओर सिमट करके वो छोटी सी बिंदु पर ले आ रहे हैं. इसका एक ख्याल ही काफी है, विचार ही काफी है, और छोड़ दें. अब सब प्रयत्न छोड़ दें. Bring your mind, gather your mind from all sides and bring it to this tiny dot just above the navel near the solar plexus. And let go and relax. Now let go of all your efforts. Let the mind expand and become aware of the space in this entire room you are in. अपने चारों ओर जो खाली जगह है उसका स्मरण करें. अब सारा प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें. Now let go of all your efforts. सब प्रयत्न छोड़ दे. लेट गो ऑफ ऑल योर एफर्ट्स एंड जस्ट बी. सिर्फ बनी रहे, बनी रहे. सर्वेषां शान्तिरस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, सर्वेषां मंगलं भवन्तु. ॐ शांति शांति शांति.
and slowly and gradually become aware of your body and surrounding. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. And just crack open your eyes. Allow a ray of light to enter inside of you. Just be here now. Aankhi zara sa khole ताकि एक रोशनी की किरण आपके आंखों के अंदर जा पाए. सिर्फ 2% आंखें खोलें, ज़्यादा नहीं. अब आपकी चेतना ना भीतर ना बाहर मध्य में है. नाउ योर अटेंशन इज नाइदर टोटली इनसाइड नॉर आउटसाइड. It's in the middle. Let it be. Become aware of your forehead, where this single ray of light is moving through your eyes to the forehead and right to the brain. आँखों की दरिया एक किरण रोशनी की अंदर जा रही है. माथे पर ध्यान दीजिए, फिर मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए. देखिए मन एकाग्र हो रहा है इस वक्त. Notice there is focus in the mind this point. A tiny ray of light and a tiny breath that is moving up and down in the nostril. A gentle attention inside the forehead. All can create a lot of awareness. मस्तिष्क के भीतर माथे के पीछे हल्का सा ध्यान. सांस की गति पर ध्यान जो नासिका के भीतर बाहर हो रहा है. नासिका के भीतर बाहर हो रही है जो सांस उसका ध्यान. फिर एक हल्की सी रोशनी जो आंखें अंदर से आपके भ्रूमध्य में जा रही है उस पर ध्यान. एक और गहरी सांस. आंखें थोड़ा और खोलें और खोलें. अब 30 degree तक खोलिए. मन फिर भी अंतर्मुख बना रहे. योर आईज आर ओपन नाउ 30 degree बट योर माइंड इज स्टिल इन वर्ड. अब नाउ ब्लिंक योर आईज. पलकों को मारते हुए फिर पूरी तरह से आप आंखें खोल सकते हो. नाउ यू मे ओपन योर आईज फुल्ली.